विश्व रंग के पूर्व रंग के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की हू किल्ड शास्त्री के हिंदी अनुवाद लाल बहादुर शास्त्री मृत्यु या हत्या पुस्तक का भव्य विमोचन शुक्रवार को रविंद्र भवन में किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे उपस्थित रहे। वहीं फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के अनुवादक विश्वास तिवारी और शिक्षाविद अमिताभ सक्सेना भी उपस्थित रहे। फिल्म डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री मृत्यु या हत्या पुस्तक का विमोचन शुक्रवार को रविंद्र भवन में किया गया। इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अच्छा लगता है भोपाल के बाशिंदे दुनिया में राज करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों को वैश्विक मंच भी प्रदान कर रहा है। आजादी के बाद एक परंपरा बन गई है कि तथ्यों को छुपाया जाए। फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने तथ्यों को सामने लाने का अथक प्रयास किया है। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कहा कि ये बात महत्वपूर्ण है कि इस किताब का विमोचन हिंदी में हो रहा है। विश्व रंग के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये हम भूल गए थे कि कला ही समाज की आत्मा होती है। इस आत्मा को जीवित रखने का बीड़ा संतोष चौबे ने उठाया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे ने विश्व रंग की अवधारणा के बारे में बात करते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े विश्व रंग टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव का भव्य आयोजन इस बार भारत सहित विश्व के 50 देशों में एक साथ होगा। भारत में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक कुशाभाऊ ठाकरे सभागार रविंद्र भवन रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति साहित्य एवं कला पर केंद्रित विभिन्न रचनात्मक सत्रों एवं गतिविधियों का आयोजन होगा। इस समारोह के जरिए हम हिंदी और भारतीय भाषाओं को वैश्विक पटल पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम में आईसेक्ट के निदेशक सिद्धार्थ चतुर्वेदी रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ब्रह्म प्रकाश पेठिया कुलसचिव डॉक्टर विजय सिंह सहित शहर के गणमान्य नागरिक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।